मैं हूँ रक्षा और रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए नए वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब, Facebook पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन की भरता की रेसिपी। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बैंगन का भरता और आप उंगलियाँ चाटने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 3 बैंगन लिए हैं, मैंने यहाँ पर देसी बैंगन लिए हैं। देसी बैंगन की क्या पहचान होती है कि इसमें जो छोटे छोटे से आपको कांटे दिख रहे हैं ना, ये कांटे होते हैं। देसी बैंगन बहुत ही टेस्टी लगता है और नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अगर बैंगन आपको लगता है बहुत सख्त है, कभी कभी एक दो दिन बैंगन रखा रहता है तो सख्त होता है, कोई कोई नेचुरली सख्त होता है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसको दबाते हुए ठोक दीजिए। इससे इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, मुलायम हो जाता है बैंगन। या थोड़ा सा आप ऑयल ले लीजिए हाथों में, जो भी ऑयल लेना चाहें, रिफाइंड या फिर आप सरसों का जो भी लेना चाहें, इस तरह से आप सभी बैंगन में हल्का हल्का लगा दीजिए, यानी कि बैंगन की कोटिंग कर दीजिए इस तरह से, तेल से कोटिंग कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब बैंगन हम भूनने को रखेंगे तो इसकी परतें बहुत आराम से निकल आएंगी, छिलका जो है ना अच्छे से निकल आता है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने लंबे शेप में काटा है। मैंने लहसुन लिए थे, लहसुन को भी मैंने लंबे साइज़ में इस तरह से काट लिया है। और 3 मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। 2 हरी मिर्च में मैंने चीरा लगाए हुए हैं। तो इनको हमने यहाँ पर भुनने के लिए रख दिया है। तो आप इस तरह से जाली में भी रख सकते हैं या डायरेक्टली गैस में भी आप भून सकते हैं। तो आपको टमाटर को भी साथ में भूनना है। टमाटर भूनने के बाद अगर हम डालते हैं तो उसमें एक सौंधापन होता है। हमने सभी 3 बैंगन 3 टमाटर को भून लिया है। अब इनके हम छिलके उतार लेते हैं। तो ये ठंडे हो चुके हैं, इनके हम छिलके उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, यानी कि चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यही फ़ायदा होता है जो हमने ऑयल की कोटिंग की थी इससे। ये देखिए, तो इस तरह से हम सारा छिलका इसका उतार लेंगे, सभी बैंगन और टमाटर को छील लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को छील लिया है। अब चाकू की मदद से इसका जो ऊपर का डंठल है इसको हम अलग कर लेते हैं। हमने टमाटर भी छील लिए हैं। अब हम इनको पानी में धोते हुए 2-3 बार वॉश करेंगे ताकि इसमें जितना भी ऊपर ब्लैक पार्ट लगा हुआ है थोड़ा बहुत, वो सारा हट जाए। ये देखिए सभी का ब्लैक पार्ट हट चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हमारे बैंगन और टमाटर हो चुके हैं। तो अब टमाटर को हम अलग एक कटोरी में निकाल लेंगे और बैंगन को अलग। तो अभी हम इसमें थोड़ा चेक कर लेते हैं, कभी कभार इसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं कि है तो नहीं। वैसे बिल्कुल सॉफ्ट बैंगन है तो इसको हम अलग ठंडा होने देते हैं जब तक हम टमाटर को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो बहुत से लोग भुने हुए टमाटर नहीं डालते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो एक बार डाल के देखिए कितना बढ़िया सौंधापन आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने टमाटर को मैश कर लिया है, इसी तरह से हम बैंगन को भी मैश कर लेते हैं। तो आपको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि जो बड़े बड़े से टुकड़े हैं रेशे टाइप के वो ना रहें। तो हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमने बैंगन को मैश कर लिया है और टमाटर को भी मैश कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो थोड़ा हम ज़्यादा तेल डाल रहे हैं, करीब हमने 1.5 चम्मच बड़ी चम्मच तेल डाला है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें आपको डालना है 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, और यहाँ पर हमने कुछ लहसुन को 4-5 लहसुन की कलियों को बिल्कुल साबुत रखा है, छीला नहीं है। बहुत अच्छा लगता है बैंगन के भरते में जब साबुत लहसुन आता है। और कुछ के हमने छोटे छोटे से लंबे साइज़ में पीस कर लिए थे तो उनको भी हम डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कलर बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए लहसुन, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और साथ में ही हम डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्च। हरी मिर्च जल्दी डालने से क्या होता है कि अच्छे से फ्राई हो जाती हैं तेल में, तो इनका जो तीखापन है वो ज़्यादा नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है और अच्छी टेस्टी भी लगती है। तो चलिए इनको हम भून लेते हैं सभी चीज़ों को। तो ये देखिए आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो चुका है और मिर्च भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। अब प्याज को भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज को आपको खूब अच्छे से भूनना है जब तक कि प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउनेस ना दिखने लगे, इसका बिल्कुल टेक्सचर चेंज हो जाना चाहिए। तो प्याज कुछ लोग कम ही भूनते हैं, लेकिन कम ना भूनें, अच्छे से भूनें। इससे जो सौंधापन होता है
भरते में वो रहता है, तो हम थोड़ा सा इसमें नमक और डाल देते हैं प्याज के साथ। इससे होगा ये कि प्याज हमारी जल्दी फ्राई हो जाती है नमक से। तो ये देखिए प्याज को हमने कितना बढ़िया भून लिया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन, मैश किए हुए बैंगन। तो यहाँ पर अभी आपको मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर मेन मिस्टेक क्या होती है कि सब लोग बैंगन बाद में डालते हैं और बैंगन को अच्छे से फ्राई नहीं करते। तो यहाँ पर हम तेल में पहले बैंगन को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बैंगन जो बादी करता है ना, वो बादीपन ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोगों को बैंगन नुकसान करता है, मुँह फट जाता है, बहुत हार्ड होता है बैंगन, तो वो चीज़ नहीं होती है। मुँह भी नहीं फटेगा आपका और बहुत अच्छे से बैंगन खाने में भी टेस्टी लगता है बहुत। और जो नुकसान करता है, बादी करता है, वो बादीपन भी इसका ख़त्म हो जाता है। इसको हम करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, आपको अलग ही लग रहा होगा कि बैंगन का कलर भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है, इसका टेक्सचर चेंज हो चुका है। तो बैंगन को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, 1/2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच यानी कि 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर मैं गरम मसाला टाटा संपन्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही खुशबू वाला मसाला होता है। आप थोड़ा सा ही डाल देंगे ना, पूरी सब्जी में खुशबू आ जाती है। ये स्पेशल जो बड़े शेफ़ हैं संजीव कपूर, उन्होंने उनके हिसाब से इसको बनाया गया है। उन्होंने जो इन्ग्रीडियंट्स बताए हैं, और इसमें नेचुरल्स ऑयल्स भी पाए जाते हैं, बहुत अच्छा मसाला होता है। अब 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम सब्जी मसाला। सब्जी मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अगर आपके यहाँ ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मसालों के साथ फ्राई कर लेते हैं करीब 1/2 से 1 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का भर्त करके रखा था, बिल्कुल आखिरी स्टेज में डालना है आपको टमाटर का भर्त, क्योंकि ये पहले से ही भुने हुए टमाटर हैं और बिल्कुल आखिरी में डालना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद भी हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इस तरह बैंगन का भर्त बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन बनता बहुत ही कमाल का है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वादानुसार डालें। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम मिक्स करते हुए ही चलाएंगे करीब 1/2 मिनट तक और, ताकि ये अच्छे से पक जाए टमाटर जो हमने डाला था और मसाले। तो इसको अभी हमने चला लिया है, अब हम इसको 1/2 मिनट तक और पकने देते हैं। ये पहले से ही काफ़ी भुना हुआ है बैंगन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 मिनट तक इसको और अच्छे से पका लें। तो ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आ चुका है बैंगन के भरते का, बहुत अच्छे से हमारा बैंगन का भरता बन चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। हाँ, ऊपर से हमें एक चीज़ और डालनी है इसमें, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बिल्कुल बैंगन का भर्त बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से एक बार बैंगन का भर्त बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। आप इस बैंगन के भर्त में एक चीज़ और डाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ हरी वाली मटर आती है तो आप वो और इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है मटर से, और भी ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो चलिए अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भर्त बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको, इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक बार इस तरह से बना लेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बार बार इस तरह से बनाएंगे। बैंगन का भर्त तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन मेरी इन टिप्स के साथ बैंगन का भर्त ज़रूर बना करके देखिएगा। तो अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। धनिया से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भर्त बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको आप सर्व करिए रोटी के साथ, नान रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में बनाइए एक दाल और साथ में खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।